दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, कुछ इसी तरह की चीज को हम कहते हैं नकली, यानी अंग्रेजी में कहे तो फेक। और कुछ इसी तरह से धन, संपत्ति और एजुकेशन से जुड़े तीन फेक के बारे में मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लेटेस्ट किताब फेक में बताया हुआ है। और उन्होंने इस नए बुक का नाम ही रख दिया है फेक, जिसका फुल टाइटल है फेक मनी, फेक टीचर्स एंड फेक एसेट, हाउ लाइज आर मेकिंग द पुअर एंड मिडिल क्लास मोर पुअरर। और इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अलग अलग हिस्सों में तीन स्पेसिफिक फेक के बारे में बात की है। पहला स्पेसिफिक फेक है फेक मनी, यानी नकली पैसे के बारे में। फेक मनी क्या होता है और ये कैसे काम करता है? कमाल की बात उन्होंने जो बताई है वो ये कि एक तरफ फेक मनी जहाँ गरीब और मिडिल क्लास को और ज्यादा गरीब बनाता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यही फेक मनी अमीरों को और अमीर बनाता जा रहा है। इसके बाद दूसरा स्पेसिफिक फेक है फेक टीचर, यानी नकली शिक्षक के बारे में। किस तरह से एजुकेशन सिस्टम और फेक टीचर्स सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय बनने की ट्रेनिंग देते हैं और स्कूल में मनी यानी पैसे के सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते, जिसके कारण स्कूल से निकलने के बाद लोग बुरे कर्ज, बैड डेट्स में फंसते चले जाते हैं। और होता यह है कि यही बुरा कर्ज एक तरफ मिडिल क्लास और गरीबों को और गरीब बनाता जाता है और दूसरी तरफ यही बैड डेट्स अमीरों को और अमीर बनाता जाता है। इसके बाद तीसरा स्पेसिफिक फेक है फेक एसेट, यानी कि नकली संपत्ति के बारे में। किस तरह अमीर लोग फेक एसेट की वजह से और अमीर होते जा रहे हैं और किस तरह यही फेक एसेट गरीब और मिडिल क्लास को और गरीब बनाता जा रहा है। इसके अलावा वे ये भी बताते हैं कि फेक मनी और फेक एसेट वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से दुनिया में 2008 में बाजार टूटे थे और वर्ल्ड इकोनॉमी काफी बुरे तरीके से क्रैश हो गई थी। और फेक एसेट के कारण ही 2008 के बाद एक बड़ी आर्थिक मंदी देखने को मिली थी। ठीक वैसे ही फ्यूचर में भी इससे भी बड़े और बहुत ज्यादा भयंकर मंदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में 2008 के मुकाबले कई गुना ज्यादा फेक एसेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और ये फेक मनी और फेक एसेट जितना ज्यादा बढ़ेगा, फ्यूचर में जो इकोनॉमिक क्रैश होगा वो उतना ही ज्यादा और उतना ही भयंकर होगा। और इसीलिए रॉबर्ट अपने इस बुक के माध्यम से लोगों को सावधान करना चाहते हैं और फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक एसेट के बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। और इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक एसेट के साथ साथ ये भी बताते हैं कि रियल मनी क्या है, रियल टीचर्स कौन है और रियल एसेट क्या है। और सबसे खास बात कि रॉबर्ट कियोसाकी ये भी बताते हैं कि कैसे आप इस फेक मनी के खेल को समझकर, इस फेक मनी का सही तरीके से इस्तेमाल करके रियल मनी इकट्ठा कर सकते हैं और आप भी अमीर बन सकते हैं। और अमीर बनने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में रियल मनी और फेक मनी का ठीक तरह से बैलेंस बनाकर फ्यूचर में आने वाले किसी भी तरह के इकोनॉमिक क्रैश या फिर मंदी या अच्छी बुरी स्थिति और आर्थिक बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस सिस्टम और फेक मनी के शिकार हो जाएं और जिंदगी भर इस फेक मनी के लिए काम करते रहें और अंत में अपने मेहनत से कमाए पूरे धन दौलत को इस फेक मनी के चक्कर में गंवा दें। दोस्तों, मैंने इस बुक समरी को आपके लिए तीन पार्ट में बनाया हुआ है, ताकि आप इस बुक के कंटेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। और इस बुक समरी का ये पहला पार्ट है और ये पहला पार्ट पूरी तरह से फोकस्ड है फेक मनी यानी नकली पैसे या झूठे पैसे के बारे में। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से फेक मनी क्या है और रियल मनी क्या है, कौन सा मनी फेक है और कौन सा मनी रियल। तो दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि आज दुनिया में तीन तरह के मॉडर्न मनी है। पहला गॉड मनी, यानी कि भगवान द्वारा बनाया गया पैसा, जैसे गोल्ड, सिल्वर यानी सोना और चांदी। और दूसरा गवर्नमेंट मनी, यानी सरकार और कानून द्वारा बनाया गया पैसा, पेपर मनी, जिसे फिएट मनी भी कहा जाता है, जैसे अमेरिका का डॉलर या फिर इंडिया का रुपया। और इसी तरह के नोट और सिक्के सभी गवर्नमेंट मनी है, यानी कि फिएट मनी है। और तीसरा पब्लिक मनी, जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या फिर जिपकॉइन। हालांकि इस तरह के डिजिटल करेंसी को कई अलग अलग देशों ने कानूनी रूप से अभी मान्यता नहीं दी है और इसलिए ये बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, इसलिए इस बारे में ज्यादा बात अभी नहीं कर सकते। और जहां तक सवाल है कि रियल मनी क्या है, यानी कि असली पैसा क्या है, और फेक मनी यानी कि नकली पैसा क्या है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि रॉबर्ट कियोसाकी सिर्फ गॉड मनी यानी भगवान द्वारा बनाए गए पैसे जैसे सोना और चांदी को ही असली पैसा या रियल मनी मानते हैं, जबकि किसी देश की सरकार या फिर बैंकिंग सिस्टम द्वारा बनाए गए पेपर मनी जैसे डॉलर के नोट या फिर रुपए के नोट को वे फेक मनी यानी कि नकली पैसा मानते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि रॉबर्ट रियल मनी के बारे में बताते हैं कि रियल मनी वो होता है जो तीन कंडीशन को जरूर फॉलो करता हो। पहला कंडीशन ये कि रियल मनी वो होता है जो सभी लोगों के द्वारा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरा कंडीशन ये कि रियल मनी मेजरेबल हो, यानी कि उसे काउंट किया जा सके, उसे अलग अलग मापतौल के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके,
और रियल मनी की तीसरी सबसे खास कंडीशन ये है कि रियल मनी के अंदर सच में अपना कोई इंट्रेंसिक वैल्यू होना चाहिए, यानी कि रियल मनी को मनी के रूप में जब तक चाहे स्टोर किया जा सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों कंडीशन गॉड मनी यानी कि भगवान द्वारा बनाया गया पैसा गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोना और चांदी ही फुलफिल करते हैं। और आगे रॉबर्ट ये कहते हैं कि जब से ये धरती बनी है तब से गोल्ड और सिल्वर इस धरती पर है, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक सोना और चांदी जरूर रहेगा, और इसलिए सच में कोई रियल मनी है और सच में कोई पैसा है तो वो है गोल्ड और सिल्वर यानी सोना और चांदी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप रियल मनी के डेफिनेशन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट मनी यानी कि सरकार द्वारा बनाया गया पेपर मनी नोट डॉलर या रुपया या फिर पब्लिक मनी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पहले दो कंडीशन को तो फॉलो करता है लेकिन तीसरे कंडीशन को बिल्कुल भी जरा सा भी फॉलो नहीं करता। यानी कि यह पूरी तरह से सही है कि कानूनी रूप से पेपर मनी हम सभी को स्वीकार करना होता है और हम सभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में डॉलर या रुपया एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये कि पेपर मनी बहुत ही ज़्यादा मापतौल अकाउंटिंग के हिसाब से काफ़ी आसान होता है और ये काफ़ी मेजरेबल है। लेकिन पेपर मनी या कागज़ नोट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पेपर होता है, इसकी खुद में अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि पेपर मनी यानी कागज़ के नोट की अपने आप में कागज़ से ज़्यादा कुछ भी वैल्यू नहीं होती, और इसीलिए रॉबर्ट पेपर मनी को फेक मनी मानते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से रॉबर्ट पेपर मनी को फेक मनी मानते हैं वो ये है कि अमेरिका में 1971 से पहले तक जो डॉलर प्रिंट किए जाते थे वो गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करते थे। यानी कि 1971 से पहले डॉलर प्रिंट आउट करने के बदले एक फिक्स्ड अमाउंट का गोल्ड और सिल्वर बैंक में रखना जरूरी होता था, लेकिन 1971 में अमेरिकी सरकार द्वारा नियम बदल दिए गए और 1971 के बाद पेपर मनी यानी डॉलर प्रिंट आउट करने के लिए उतने अमाउंट का गोल्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। यानी अमेरिका जितने चाहे उतने डॉलर छाप सकता है, और ठीक यही हाल आज दुनिया भर के हर देश का है। कोई भी देश और उसकी सरकार और बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से जितना चाहे उतनी मात्रा में करेंसी नोट यानी मनी प्रिंट आउट कर सकता है, क्योंकि बिना नियमों को फॉलो किए हुए नोट छापने में उस देश को तुरंत उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कोई भी देश कितना मनी प्रिंट आउट कर रहा है इसका उसे पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है ताकि जाली नोट को पकड़ा जा सके और करेंसी के वैल्यू को और महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। और ऐसे में हर देश को मनी प्रिंटिंग के बहुत सारे अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल कानून और बैंकिंग सिस्टम के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन रॉबर्ट बताते हैं कि पूरी बैंकिंग सिस्टम फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के ऊपर काम करता है, और ये फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम जादू की तरह से 10 रुपये को किसी बैंक में जमा करने पर पूरा बैंकिंग सिस्टम उस 10 रुपये को अगले कुछ दिनों के अंदर ही 1000 या उससे ज़्यादा बना सकता है। यानी कि अगर ओरिजिनली 10 रुपये अगर बैंक में जमा किया जाए तो वो पूरा बैंकिंग सिस्टम उसे मिलकर 1000 या उससे ज़्यादा बना सकता है, और इसी को रॉबर्ट नाम देते हैं फेक मनी प्रिंटिंग सिस्टम, जो जादू की तरह से फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम का इस्तेमाल करके 10 रुपये को 1000 या उससे ज़्यादा बना देता है। अब आप ही बताइए, जो ओरिजिनल मनी था वो था 10 रुपये, और इस 10 रुपये को इस जादू वाले मनी प्रिंटिंग सिस्टम यानी कि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम का इस्तेमाल करके बैंकिंग सिस्टम ने 10 रुपये को 1000 रुपये में बदल दिया है, तो आखिर इस सिस्टम पर कोई कैसे और कितना विश्वास कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी अपने इस बुक में ये क्लियर करते हैं कि दुनिया भर के देशों में बिना गोल्ड रिजर्व रखे मनी प्रिंटिंग सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें हैं और इतने सारे लूप होल्स हैं कि जिसका फायदा अमीर लोग उठाते हैं और वे अपने फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट आउट करते जाते हैं, और जितना ज्यादा मनी प्रिंट आउट होता है उतना ज्यादा फेक मनी इस इकोनॉमी में बढ़ता जाता है, और जितना ज्यादा फेक मनी इकोनॉमी में आता है उसका सबसे भयंकर नुकसान ये होता है कि महंगाई लगातार बढ़ती ही जाती है, और जो लोग पेपर मनी यानी कि पैसे की बचत करते हैं उनके बचत के पैसे का मूल्य लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से घटता जाता है, और जिसके कारण पैसे की बचत और उसे सही तरह से निवेश नहीं करने वाले लूजर और अंत में महामूर्ख साबित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, रवि और श्याम। रवि ने 20 साल पहले 1999 में 4300 रुपए के 10 ग्राम के फिजिकल गोल्ड खरीदकर अपनी तिजोरी में बंद कर दिया, क्योंकि 99 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत थी लगभग 4300 रुपए, जबकि श्याम ने उस समय गोल्ड नहीं खरीदा और 99 में उसने 4300 रुपए के कैश यानी नोट और सिक्के अपनी तिजोरी में बंद करके रख दिया। और आज 20 साल बाद 2019 में यानी 2019 में रवि और श्याम दोनों ने अपनी तिजोरी खोली। रवि जिसने 10 ग्राम सोना रखा था उसे अपनी तिजोरी से 10 ग्राम सोना मिला, और उसने बाजार में भाव लगाया तो पता चला कि आज 2019 में
10 ग्राम गोल्ड की कीमत है लगभग 36,000 रुपए या इससे भी ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ श्याम, जिसने 4,300 रुपए के नोट और सिक्के तिजोरी में रखे थे, उसने तिजोरी खोली और उसे अपने वही 4,300 रुपए के नोट और सिक्के मिले। अब मान लीजिए कि श्याम को आज 4,300 रुपए का सोना खरीदना है और वो मार्केट में जाता है तो उसे पता चलता है कि 36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से उसे 4,300 रुपए में सिर्फ 1 ग्राम या 1.5 ग्राम तक ही सोना मिलेगा। देखा आपने, श्याम जिसने पेपर मनी यानी कि नोट और सिक्कों की बचत की और अंततः वो लूजर साबित हो गया, महामूर्ख साबित हो गया, जबकि रवि ने रियल मनी यानी गोल्ड की सेविंग की थी और इस केस में वो विनर बन गया, यानी कि वो ये मनी गेम जीत गया, क्योंकि सोने की अपनी खुद की कीमत होती है और इसलिए सोने को तिजोरी में बंद रखने के बावजूद भी उसकी कीमत में कमी नहीं आई थी, जबकि उसकी मार्केट में पेपर मनी की तुलना में उसकी कीमत 8 गुने ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, इस बुक का इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि किस तरह से फेक मनी यानी पेपर मनी अमीरों को और तेजी से अमीर और मिडिल क्लास और गरीबों को और तेजी से ज्यादा गरीब बनाता जा रहा है, और इसके कारणों को एक्सप्लेन करते हुए रॉबर्ट इस बुक में एक यूनिक फिलोसफी के बारे में बताते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज अमीर और गरीब के बीच बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है कोलेटरल्स का। अमीर लोगों के पास कोलेटरल्स होते हैं और गरीबों के पास कोई कोलेटरल नहीं होता। ध्यान दीजिए कि कोलेटरल से मतलब है ऐसी कोई संपत्ति जिसको कि कोई आदमी बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रखकर बड़ी आसानी से बड़े बड़े लोन ले सकता है और उस लोन के पैसे का इस्तेमाल करके वो और बड़ा बिजनेस और कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट करके वो और अमीर बन सकता है, और इस कोलेटरल की हेल्प से ही बड़ी आसानी से पेपर मनी यानी फेक मनी प्रिंट किए जा सकते हैं और अमीर लोग इसी का फायदा उठाते हैं। और क्योंकि गरीबों के पास कोई कोलेटरल नहीं होता, इसलिए जब गरीब आदमी बैंक जाता है और बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करने के लिए उधार या लोन मांगता है तो बैंक उसे कोई लोन नहीं देती, और जब गरीबों को बैंक से कोई पैसा नहीं मिलता तो वे ना ही कोई बड़ा बिजनेस कर पाते हैं और ना ही कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। और गरीब और मिडिल क्लास के पास एक ही ऑप्शन होता है, मेहनत करो, पैसे कमाओ, बचत करो तथा बैंक या म्यूचुअल फंड में या फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम जैसे PPF या NPS में निवेश करो, जो कि सिर्फ उतना ही लाभ दे पाते हैं जितनी महंगाई बढ़ती है। और अंत में होता यह है कि महंगाई बढ़ती जाती है और गरीबों के निवेश उस स्पीड से नहीं बढ़ते जिस स्पीड से अमीरों के निवेश बढ़ते जाते हैं, और इसलिए गरीब और गरीब होते जाते हैं और अमीर होते जाते हैं। ध्यान दीजिए कि बैंक गरीबों को तो बिल्कुल लोन नहीं देती, लेकिन मिडिल क्लास को जमकर बहुत सारे कंज्यूमर लोन्स देती है, और जो मोस्टली अंत में बैड डेट्स यानी कि बुरे लोन साबित होते हैं। मिडिल क्लास को जो भी लोन मिलता है जैसे कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या इस तरह के बहुत सारे लोन, उससे अंत में बैंक ही पैसे कमाती है। मिडिल क्लास को ये समझाया जाता है कि उन्हें लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म निवेश करने से वे बहुत सारा धन बना पाएंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, और अगर उनके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रही तो वे अंत में लूजर ही साबित होते हैं। जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन के अभाव में ही अगर कोई लॉटरी जीत जाता है और उसके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं तो भी वो अपना पैसा गंवा सकता है, और इस तरह से अगर आप देखें तो गरीब और मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी बुरे कर्जों से निपटने में ही गुजर जाती है, जबकि अमीर लोगों के पास कोलेटरल यानी ऐसी संपत्तियां होती है जिनके बदले वे बैंक से बड़ी आसानी से लाखों करोड़ों का लोन उठाते हैं और उस पैसे से वे और बड़ा बिजनेस और बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अंत में और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। तो इस तरह अगर कहा जाए तो आज का मनी गेम कोलेटरल का खेल है, जिसके पास जितना ज्यादा कोलेटरल है वो उतना ज्यादा अमीर है। तो ऐसे में अगर आप भी आज के मनी गेम को जीतना चाहते हैं तो आपको अमीरों की तरह अपने पास भी कोलेटरल्स बनाने होंगे और बैंक लोन्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, पैसे से पैसे बनाना सीखना होगा, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप फेक मनी को रियल मनी में कन्वर्ट करते जाएं। और इस सब की शुरुआत होती है अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करते रहने से, और रॉबर्ट क्योसाकी की सारी बुक्स का उद्देश्य यही होता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाया जाता और इसे आपको खुद से सीखना पड़ता है, और फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आपको एक बार में सिखा दी जाए, बल्कि आपको खुद से लगातार सीखते रहना पड़ता है। आपको गलतियाँ करनी होती है और आपको सीखना होता है, आपको पर्दे के पीछे की कहानी को समझना होता है, क्योंकि पर्दे पे जो फिल्म चलती है वो सिर्फ एक नाटक और ड्रामा होता है, असली कहानी पर्दे के पीछे होती है जिसे आपको दिमाग लगाकर समझना होता है। और दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी बातें जो आपको इस बुक में फेक मनी पार्ट 1 में सीखने को मिलता है, और रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने इस लेटेस्ट बुक में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मनी कंसेप्ट और मिसकंसेप्शन और रियल फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में काफी डिटेल में बताया है, और अगर आप डिटेल्स में उन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये किताब फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन इस बुक की इंग्लिश मुझे काफी सिंपल लगी, जिसे शायद आप भी काफी आसानी से समझ सकते हैं। अमेज़न से इस बुक को खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो इस बुक समरी पार्ट वन में हमने पांच चीजें सीखी। पहला ये कि कितने तरह का मनी आज मार्केट में अवेलेबल है, और दूसरा रियल मनी और फेक मनी क्या है, उसमें क्या अंतर है, और तीसरा रॉबर्ट कियोसाकी पेपर मनी को फेक मनी क्यों मानते हैं, और चौथा फेक मनी का भयंकर दुष्परिणाम क्या है, और पांचवा कैसे फेक मनी या पेपर मनी अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाता जा रहा है। और आई होप कि आपको ये बुक समरी का फर्स्ट पार्ट जरूर पसंद आया होगा और आपको इस बुक समरी के नेक्स्ट पार्ट का जरूर इंतजार रहेगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सकें। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।